जर्मनी ने मस्जिदें तोड़ना शुरू कर दिया है। In full view television cameras, Germany's police raided this mosque in Hamburg. German government सभी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन पर छापेमारी कर रही है। The German government says it's a front for Iran, collectively known as the Islamic Center Hamburg. जर्मनी की सरकार ने अपने खुफिया एजेंसियों को एक्टिव कर दिया है। They support a radical form of Islam and reject democracy and freedom. Salam in Germany. That's what the Federal Domestic Intelligence Service says. लेकिन आखिर क्या वजह है कि पिछले कई दशकों से शांत चल रहे जर्मनी में अचानक हाई अलर्ट हो गया है? आखिर जर्मनी ने क्यों तोड़े दर्जनों मस्जिद? आखिर जर्मन सरकार ने वहां के सबसे पुराने मस्जिद पर ताला क्यों जड़ दिया? और जर्मनी में कैसे बना वहां का सबसे बड़ा हिंदू गांव? मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। यह है जर्मनी की सबसे पुरानी मस्जिद, जिसे हैम्बर्ग मस्जिद या इमाम अली मस्जिद भी कहा जाता है। जर्मनी सरकार ने हाल ही में इस मस्जिद को बैन कर दिया है, वहां ताला लग गया। जर्मन पुलिस का कहना है कि इस मस्जिद को सिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन चलाती है और इसका ईरान की सरकार के साथ गहरा संबंध है। पुलिस का कहना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का समर्थन करती है और जर्मनी में इस्लामिक क्रांति लाने की कोशिश कर रही है। जर्मनी की गृह मंत्री नैन्सी फेसर ने कहा कि ये अभियान किसी खास धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ है जो लोकतंत्र में यकीन नहीं रखते हैं और चरमपंथी संगठनों से जुड़े हुए हैं। नैन्सी फेसर ने कहा कि ये लोग हिजबुल्लाह के द्वारा फंडिंग किए हुए कट्टरपंथी हैं, जो कि जर्मनी के संविधान को नहीं मानते। ये लोग इजराइल और यहूदियों के खिलाफ में योजनाएं बनाते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ एक जगह ही नहीं है। जर्मनी में पुलिस ने इस्लामिक आतंक से जुड़े होने के शक में 54 जगहों पर छापेमारी की है। इसमें मस्जिद के अलावा लोगों के घरों में भी छापे मारे गए हैं। इसे इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन बताया जा रहा है। जर्मन पुलिस ने बर्लिन, फ्रैंकफर्ट और म्यूनिक में भी 3 बड़ी मस्जिदों पर छापे मारे हैं और उन्हें बंद कर दिया है। पुलिस ने इन मस्जिदों पर भी इस्लामिक उग्रवाद से जुड़े होने, ईरानी सरकार का प्रोपगंडा फैलाने का आरोप लगाया है। जर्मनी की घरेलू एजेंसियों के मुताबिक इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग IZH का ईरान की कई मस्जिदों और संगठनों पर काफी गहरा प्रभाव है। इस पर 1993 से ही खुफिया एजेंसियों की नजर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस्लामिक चरमपंथी अचानक ही जर्मनी में उग आए, बल्कि जर्मनी की गलतियों की वजह से ही वहां कट्टरपंथियों का जमावड़ा हो गया है। जब दूसरे यूरोपियन देश मिडिल ईस्ट से आए हुए, यानी कि ईरान, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान से आए हुए रिफ्यूजीज को अपने देश में घुसने नहीं दे रहे थे, तब जर्मनी ने इनका खुशी खुशी स्वागत किया, उनको शरण दिया। Refugees of the world, come to Germany. You're all welcome here. What are you doing? Are you stupid? Did she just officially invite terrorists into her country? We're doomed. ये माइग्रेंट्स जर्मनी में आकर इतने आराम फील करने लगे कि इनकी जनसंख्या 2009 में कुछ हजार से साल 2016 तक मिलियन में पहुंच गई। फिर ऐसा हो गया कि ये माइग्रेंट्स जर्मनी के हर नियमों और संविधान के बीच में आने लगे और अड़ंगा डालने लगे। मतलब जो शरणार्थी अपना जान बचाने और कुछ रोटियों के लिए शरण लिए थे, वो अब जर्मन देश के नीतियों और संस्कृति के खिलाफ होने लगे, उनके विदेश नीति में दखलअंदाजी करने लगे। जैसे कि इजराइल पैलेस्टीन वार में जर्मनी इजराइल के सपोर्ट में है, लेकिन विशेष समुदाय के लाखों शरणार्थी जो कि अब जर्मनी के ही हो गए हैं, वो ईरान के हिजबुल्लाह संगठन से जुड़ गए हैं। मतलब ये सब कट्टरपंथी बन गए हैं। जर्मनी भारत और पाकिस्तान के कश्मीर विवाद पर हमेशा पाकिस्तान के ओर से बोलते आया है, लेकिन अब जबकि चरमपंथियों से उसका सामना हुआ है तो जरूर समझ में आएगा। लेकिन आप यहां जानकर खुश हो जाएंगे कि जर्मनी में हिंदू धर्म का पूरा प्रचार हो रहा है और वहां पर कई खूबसूरत हिंदू गांव बनाए गए हैं और इसमें जर्मनी की सरकार हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का काफी सपोर्ट भी करती है। जर्मनी के ये हिंदू कभी भी ऐसा काम नहीं करते जिससे जर्मन गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम हो।
जर्मनी में हिंदू धर्म तो बहुत पुराना है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार 1975 से शुरू हुआ। श्रीमद् भागवत गीता के कर्म सिद्धांत को मानते हुए जर्मनी के लाखों लोगों ने हिंदू धर्म को अपने जीवन में उतार लिया है, क्योंकि यह धर्म किसी से द्वेष, घृणा या हिंसा का समर्थन नहीं करता। तो दोस्तों, यह था पूरा वृतांत। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।